तो दोस्तों साउथ स्टार समंथा रूत प्रभु की बॉलीवुड एंट्री पर हर किसी की नजर बनी हुई है। द फैमिली मैन 2 की सफलता के बाद से ही समंथा हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई है। अभिनेत्री अपनी बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है और वहीं अब खबर आ रही है कि समंथा के हाथ एक और बॉलीवुड फिल्म लगी है। इस सिलसिले में उनसे बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्देशक आदित्य धर अपनी फिल्म द इमोर्टल अश्वधामा के लिए समंथा के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वे विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी। आदित्य कुछ समय से द इमोर्टल अश्वधामा की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और 2023 में फिल्म को फ्लोर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक सूत्र के अनुसार फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही है और आदित्य समंथा के साथ लीड रोल निभाने के लिए बात कर रहे हैं। समंथा को भी ये फिल्म पसंद आई है। द इमोर्टल अश्वधामा बनाने की घोषणा पिछले साल जनवरी में विक्की कौशल के साथ की गई थी। हालांकि वित्तीय मुद्दों के चलते फिल्म फ्लोर पर नहीं आ सकी, ऐसे में इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इस फिल्म को RSVP मूवीज प्रोडक्शन बैनर के तहत रोनी सक्रूवाला द्वारा निर्मित किया जाना था, लेकिन वह इस फिल्म से पीछे हट गए। अब नए निर्माता के साथ फिल्म का दोबारा काम शुरू हो गया है और अब इसकी कास्टिंग भी शुरू कर दी गई है। तो देखना दिलचस्प होगा द इमोर्टल अश्वधामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। आपको इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।